इस किस और किट के फाउंडर श्री अच्युता सामंत जी और भुवनेश्वर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर प्रसन्न कुमार पाठसानी जी और किट और किस के सेक्रेटरी श्री रविंद्रनाथ जी दास, इस इंस्टीट्यूट के सभी सम्मानित टीचर्स और मेरे प्रिय बच्चों, पहली बार इस प्रकार का इंस्टीट्यूट मुझे देखने को अवसर प्राप्त हुआ है। जीवन में पहली बार है देखने को अवसर मिला। छोटे बच्चों का, छात्रों का ऐसा अद्भुत दृश्य अपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखा था। अच्युता सामंत जी मुझसे मिले थे कुछ समय पहले, थोड़ी बहुत इनसे चर्चा हुई थी और इनके इस इंस्टीट्यूट के बारे में दूसरे लोगों के माध्यम से भी मुझे जानकारी हुई थी, लेकिन जो कुछ भी मैंने इस इंस्टीट्यूट के बारे में सुना था, आज मैं प्रत्यक्ष उससे अधिक अपनी आंखों के सामने यहां पर मैं देख रहा हूं। एक सौ 125 बच्चों को लेकर यह संस्था प्रारंभ की गई थी और आज 25,000 से अधिक बच्चे यहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भारत ही नहीं, मैं कह सकता हूं विश्व में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो कि इतनी बड़ी संस्था जो बच्चों के पर्सनालिटी के कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए इस तरीके से काम करती है, कोई नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों में भी जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, दुनिया के दूसरे देशों के इंस्टीट्यूट्स को भी हमने देखा है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं देखी है। और मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि यूनाइटेड नेशंस की किसी संस्था ने इनको स्पेशल कंसल्टेंसी स्टेटस भी इस इंस्टीट्यूट को दे रखा है। मैं अच्युत सामंत जी, इसके लिए आपको और आपकी पूरी संस्था को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और जब यह मेरा अभिनंदन कर रहे थे तो मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था, भले ही मैं भारत सरकार का गृह मंत्री हूं, मेरा अभिनंदन नहीं होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए अच्युता सामंत जैसी शख्सियत का अभिनंदन होना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों से निकले हुए ये फूल से ये बच्चे, फूल जैसे बच्चे, इनका मैं डांस देख रहा था। क्या करेगा कोई डांस? डांस स्कूल्स भी होंगे तो मैं समझता हूं कि ऐसी ट्रेनिंग बच्चों को हासिल नहीं होती होगी जैसे हमारे इन मासूम बच्चों की ट्रेनिंग हमको देखने को मिली। बच्चों, आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं आपको देख रहा था, जब मैं आ रहा था इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तो जो बच्चे मिले थे, यही इच्छा हो रही थी कि परमात्मा मेरे अंदर यही शक्ति दे दो कि इन सब सारे आदिवासी क्षेत्रों से आए हुए बच्चों को, सबको एक बार मैं अपने गले से लगा लूं। बार बार यही भावना मेरे मन के अंदर पैदा हो गई। और मैंने यह भी अनुभव किया कि भारत के जो रिच हेरिटेज है, भारत की जो समृद्धशाली संस्कृति है, उसके प्रति भी बच्चों का कमिटमेंट, बच्चों की प्रतिबद्धता बढ़े, इस ओर हमारे अच्युता सामंत जी ने विशेष रूप से ध्यान दिया है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने हुकूमत की है और अंग्रेजों ने हमारे भारत के लोगों को, भारतवासियों को, जो भारत की रिच हेरिटेज है, समृद्धशाली जो संस्कृति है, परंपरा है, उससे काटने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। लेकिन इस संस्था में यह भी प्रयत्न किया जाता है कि बच्चे अपने रिच हेरिटेज से, अपनी समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत से किसी भी सूरत में न कटने पाए, इस बात की भी यहां पर चिंता की जाती है। यहां पर बच्चों को केवल ज्ञान ही नहीं दिया जाता है, बल्कि बच्चों को यहां पर संस्कार भी दिया जाता है। मनुष्य के जीवन में ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता है, संस्कार विहीन यदि ज्ञान है तो वह ज्ञान समाज के लिए कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता है।
संस्कार युक्त जो ज्ञान है वही समाज के लिए कल्याणकारी हो सकता है, लेकिन संस्कार विहीन ज्ञान यह समाज के लिए सदैव विनाशकारी होता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षण संस्था से निकलने वाली यह सारे बच्चे जब अपने जीवन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो समाज निर्माण के लिए अपनी सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। और भारत की कल्चरल हेरिटेज का जहाँ तक सवाल है मेरे बच्चों, इस पर आप सबको भी गौरव करना चाहिए, गौरव करना चाहिए कि विश्व के किसी देश में ऐसी कल्चरल हेरिटेज देखने को नहीं मिलेगी जो कि भारत में देखने को मिलेगी। भारत की संस्कृति जितनी समृद्धशाली है। और मैं अपने पड़ोसी देश चीन के एक विद्वान जिनका नाम मिस्टर हु सी है, जो पेकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे जब चीन की क्रांति चल रही थी उसी दौर में, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी चाइना का प्रतिनिधित्व किया था, उन्होंने भारत की कल्चरल हेरिटेज के बारे में लिखा है कि इंडिया हैज कल्चरली कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड चाइना फॉर मोर देन 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग ए सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। और आज दुनिया में देखो, योगा के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, प्राणायाम के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, आयुर्वेद के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। यह सब सारी किसकी देन है? यह सब सारी देन है तो हमारी भारत की परंपराओं की और भारत की संस्कृति की देन है। सबका आकर्षण बढ़ रहा है। और मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, ऐसे ही लीजा मिलर नाम की एक कॉलमिस्ट 2009 में उसने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कॉलम लिखा था कि अमेरिका में जिस तरीके से योगा के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति आकर्षण लोगों में बढ़ता चला जा रहा है, तो मुझे लगता है इट सीम्स दैट वी ऑल आर बिकमिंग हिंदू। हिंदू कहने का मतलब उसका इंडियन कहना चाहती थी कि इट सीम्स कि वी ऑल आर बिकमिंग इंडियन, यह लीजा मिलर का कहना था। यानी भारत की संस्कृति का प्रभाव दुनिया के जो सबसे समृद्धशाली देश, जो रिच कंट्रीज मानी जाती हैं, उन रिच कंट्रीज में भी किस तेजी के साथ बढ़ा है, एक ही वाक्य से इसका अनुमान लगा सकते हैं। मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहूँगा, मनुष्य के जीवन में संस्कार चरित्र सबसे ज़्यादा इसकी अहमियत होती है। राम और रावण के बारे में जरूर हमारे बच्चे जानते होंगे राम और रावण के बारे में अच्छी तरह। पूजा होती है इस देश में तो राम की पूजा होती है। क्यों? रावण तो राम से धनवान भी था, रिच था। रावण राम से रिच था क्योंकि राम के पास सोने का महल नहीं था, सोने की लंका यदि थी तो केवल रावण के पास थी, इसलिए रावण राम से धनवान भी था और रावण राम से बलवान भी था, यानी शक्तिशाली था, क्योंकि उसने कुबेर को भी अपने कब्जे में ले रखा था, भगवान इंद्र को भी अपने कब्जे में ले रखा था। इतना ही नहीं बल्कि उसने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए रावण राम से धनवान भी था, बलवान भी था और राम से ज़्यादा ज्ञानवान था, राम से ज़्यादा ज्ञानी भी था, क्योंकि प्रकांड पंडित के रूप में पूरे विश्व में उस समय मान्यता थी, तो रावण की मान्यता सबसे प्रकांड विद्वान की थी। और इतना ही नहीं, रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था, अपने सिर को काट कर शिव के चरणों में अर्पित करने का काम यदि किसी ने किया था तो रावण ने किया। लेकिन मेरे बच्चों, भारत में ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग दुनिया में जहां पर भी हैं वह रावण की पूजा नहीं करते हैं, वह करते हैं, जबकि रावण धनवान भी था, राम से बलवान भी था, राम से ज्ञानवान भी था, राम से बड़ा भक्त भी था शिव का, उसकी पूजा नहीं करते हैं, करते हैं तो भगवान राम की पूजा करते हैं। प्रश्न यह खड़ा होता है धनवान बलवान और ज्ञानवान रावण की पूजा की क्यों नहीं करते, क्यों केवल राम की पूजा करते हैं? तो राम और रावण को एक दूसरे से अलग यदि कोई चीज करती है तो वह चरित्र करती है, करैक्टर करता है, वह संस्कार करता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी यदि कोई चीज है तो वह संस्कार की है।
वह चरित्र की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षण संस्था में हमारे सारे बच्चे एक चरित्रवान बच्चे बनके, एक संस्कारित बच्चे बनकर भारत को जगत गुरु के पद पर आसीन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। फिर से भारत जगत गुरु बनेगा, मुझे यकीन है। और मुझे उस समय तो सुखद आश्चर्य हुआ, आश्चर्य भी हुआ, सुखद अनुभूति भी हुई, जब यह जानकारी प्राप्त हुई कि यहां पर बच्चे जो पढ़ते हैं किस में, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में, सारे के सारे बच्चे ट्राइबल बेल्ट से, हमारे आदिवासी परिवारों से हमारे बच्चे हैं। आज जबकि इस हिंदुस्तान में कुछ ऐसी ताकतें हैं, माओवादी ताकतें हैं, जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, उन आदिवासी क्षेत्रों में यदि हम विकास करना चाहते हैं, वहां के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें वह बाधा पैदा करने का काम करते हैं। शायद उन्हें इन आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की प्रतिभा के बारे में जानकारी नहीं है, और ऐसे माओवादी ताकतों को समझना चाहिए, प्रतिभाएं, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता यह आलिशान महलों में नहीं रहती, केवल बड़े बड़े शहरों में नहीं रहती है। योग्यता, प्रतिभा, क्षमता आदि हिंदुस्तान में किसी को देखना है तो आदिवासी परिवारों की झोपड़ी में जाकर देख सकता है, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता ऐसे परिवारों में भी रहती है। मैं इन माओवादी ताकतों से एक अपील करना चाहता हूं कि ऐसी योग्यताओं, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता रखने वाले ये फूल जैसे मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। कैसे उन क्षेत्रों का विकास हो सकता है, कैसे वहां के बच्चे प्रतिभाशाली एक बच्चे के रूप में भारत को एक महान भारत बनाने में अपना योगदान कर सकते हैं, ध्यान तो सचमुच इस तरफ होना चाहिए, लेकिन वही शोर नहीं दे रहे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये बच्चे जब यहां से शिक्षा लेने के बाद जब बाहर जाएंगे तो समाज के निर्माण में बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आज तो मैं आया हूं और इस आने को मैं केवल औपचारिक मानता हूं, फॉर्मल मानता हूं, इनफॉर्मली भी, अनौपचारिक रूप से भी मैं एक बार किस में आना चाहूंगा, इस किट संस्था में आना चाहूंगा अनौपचारिक। लेकिन अच्युता जी से मैं कहूंगा कि आप मुझे यहां रहने की एक दो दिन इजाजत देंगे कि नहीं देंगे? क्यों बच्चों, तुम लोग मुझे रहने की एक दो दिन की इजाजत दोगे कि नहीं दोगे? देंगे। और इन बच्चों के बीच में रहना चाहूंगा, मेरे जिंदगी का सबसे सुखद क्षण होगा अच्युता, मेरे जिंदगी का सबसे सुखद क्षण होगा। और अच्युत सामंत जो काम कर रहे हैं, यह छोटे मन का व्यक्ति कभी इस काम को नहीं कर सकता है, छोटे मन का व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता, जो बड़े मन का होगा वही इस काम को कर सकता है। और जो बड़े मन का होता है वही स्पिरिचुअल होता है, वही आध्यात्मिक होता है। छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता, छोटे मन का व्यक्ति कभी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर में बैठकर पूजा करना, मस्जिद में बैठकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सज्दा करना, यही स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्मन होना, यही अध्यात्म है, यही भारत की संस्कृति ने हमको पढ़ाया है, इस हकीकत को समझना चाहिए। जिस तरीके का काम हमारे अच्युत सामंत यहां कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है इनके ऊपर, इन्होंने आध्यात्मिक प्राणी के रूप में इस भारत की धरा पर उन्हें पैदा किया है, परमात्मा ने भारत की धरा पर बहुत बड़ा काम किया है। और जो मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक हो जाता है वह जीवन का जो सबसे बड़ा सुख होता है उस सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि मनुष्य जीवन में जो कुछ भी करता है वह सुख की प्राप्ति के लिए करता है, आनंद की प्राप्ति के लिए करता है, हर कार्य का उद्देश्य यही होता है, कष्ट भोगना, दुख उठाना यह मनुष्य के जीवन का उद्देश्य नहीं होता है।
किसी को धन के कारण सुख की प्राप्ति होती है, किसी को अन्य किसी कारणों से सुख की प्राप्ति होती है। और अच्युता सामंत जैसे लोग ऐसे होते हैं जो अपने गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाने में, उनके व्यक्तित्व का विकास करने में सुख की प्राप्ति होती है। और मैं समझता हूं कि अच्युत सामंत जी इस संस्था से ऐसे ही बच्चों के व्यक्तित्व का, यानी उनकी पर्सनालिटी का एक कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट, ऐसी शिक्षा देंगे ताकि हर बच्चे को तन के सुख की प्राप्ति हो, मन के सुख की प्राप्ति हो, और ज्ञान ऐसा दें कि बुद्धि के सुख की प्राप्ति हो, और साथ ही साथ तन मन बुद्धि के अतिरिक्त आत्मा के भी सुख की प्राप्ति हो। एक ऐसी शिक्षा इस अच्युत सामंत जी के संस्था के द्वारा बच्चों को दी जाएगी, मुझे पूरा विश्वास। आज यदि मैंने बोलते बोलते आत्मा की बात कर दी, तन मन बुद्धि आत्मा चारों का सुख मिलना चाहिए, तो ये बच्चे कहेंगे कि तन तो मैं जानता हूं कि यह शरीर है, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, यह सब तन है, यह शरीर है। मन तो मैं जानता हूं, मन चलायमान होता है, चंचल होता है, कभी बहुत उदार हो जाता है, इसे तो मैं जानता हूं। बुद्धि मैं जानता हूं, मैं शिक्षा के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता हूं, तो ज्ञान ग्रहण करने का काम यदि कोई करता है तो यह बुद्धि करती है। यदि कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम साल्व करते करते यदि न साल्व हो रही हो, एकाएक यदि साल्व हो जाती है वह मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो उस समय जो सुख प्राप्त होता है वह शरीर का सुख नहीं होता, वह मन का सुख नहीं होता, वह बुद्धि का सुख होता है। इसे ही बुद्धि का सुख कहते हैं। खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएं, और मैं देख रहा था अभी आपके किचन में मैं गया था, इतनी खुशबू आ रही थी, मेरी भी इच्छा होने लगी कि बैठकर यहीं मैं भी खाना खा कर मिल जाऊँ। अच्छा खाना मिल जाए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल जाएं, चलने के लिए अच्छी गाड़ी मिल जाए, उस समय जो सुख मिलता है वह तन का सुख होता है। मन का सुख, मैं मानता हूं मन के बहुत सुख होते हैं, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे स्ट्रांग फीलिंग होती है, सबसे बलवती भावना होती है। भले ही कोई बच्चा गरीब माँ की कोख से क्यों न पैदा हुआ हो, या बड़े से बड़ा राजा महाराजा आकर कोई कहे तुम गरीब हो, झोपड़ी में पैदा हुए हो, तुम्हें खाने के लिए एक समय की सूखी रोटी नहीं मिलती है, चलो तुम्हारे नाम से मैं अपना राजमहल लिख देता हूँ, लेकिन शर्त यह होगी प्रातःकाल जब तुम सोकर उठोगे तो इसी भुवनेश्वर के एक चौराहे पर खड़ा करके तुम्हारी खोपड़ी पर दो चाटे लगाए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि भले ही हमारा वह नौजवान, यह हमारा बहादुर, यह बच्चा आदिवासी परिवार का, भले ही उसको सब कुछ मिल जाए, लेकिन इस शर्त को स्वीकार नहीं करेगा। वह कहेगा हे राजा, जाओ तुम्हारे राजमहल को मैं पैरों से ठोकर मारता हूं, लेकिन अपनी खोपड़ी पर मैं कभी चाटे नहीं खा सकता हूं। यह होती है स्वाभिमान की भावना, यह होती है स्वाभिमान की भावना, मान सम्मान स्वाभिमान की यह भावना व्यक्तिगत भी होती है, और यह स्वाभिमान की भावना समाज की भी होती है, यह स्वाभिमान की भावना राष्ट्र की भी होती है। जब दुनिया की विदेशी ताकतें भारत के ऊपर आंख उठाकर देखने की जरूरत करती हैं, तो सारा देश सारे भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए जब खड़ा हो जाता है, तो उस समय जो भावना पैदा होती है देशवासियों के अंदर, वह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होती है। इसे ही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना कहते हैं। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खां जैसे नौजवानों ने इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही 16 साल, 18 साल, 21 साल की उम्र में भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। लेकिन आंखों से आंसू नहीं गिरे थे, फांसी भी दी जा रही थी, तो उन्हें यह लग रहा था कि मैं देश के काम आ रहा हूं, यही हमारे जीवन का लक्ष्य था, इससे बड़ा सुख हमारे जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए तन के सुख के लिए धन चाहिए, धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए, तो आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए मेरे बच्चों। यानी एक ऐसी परोक्ष सत्ता है, एक ऐसी परोक्ष सत्ता है जो परोक्ष सत्ता केवल भारत का ही नहीं, पूरे होल यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का जो संचालन करने का काम करती है, उसे ही हम परोक्ष सत्ता को ही हम परमात्मा कहते हैं। लेकिन जब मैं आत्मा की बात करता हूं
बहुत सारे साइंटिस्ट हमसे पूछते हैं, भाई हमने तन के बारे में समझ लिया, मन के बारे में समझ लिया, बुद्ध के बारे में समझ लिया, लेकिन आत्मा क्या है इसको हमने देखा नहीं है। इसका कोई वजन नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है, आत्मा रहती कहाँ है? अब जैसे हमारी यहाँ पर बहनें बैठी हैं, कोसी के घर में, किसी बहन के घर में छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा साल डेढ़ साल का हो, छोड़कर उस बच्चे को 10 दिन के लिए वह घर से बाहर चली जाए वह बहन, और जब घर में 10 दिन के बाद वापस लौटे तो उसका साल डेढ़ साल का नन्हा मुन्ना बच्चा जब घुटनों के बल चलता हो, चलता हुआ अपनी माँ को देखकर मम्मी 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 माँ माँ कहकर जब अपनी माँ की ओर दौड़ता है, उस समय माँ जब जमीन से उठाकर उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है, तो माँ को जो सुख प्राप्त होता है वह शरीर का सुख प्राप्त नहीं होता, वह मन का सुख प्राप्त नहीं होता, वह बुद्धि का सुख प्राप्त नहीं होता, उसे आत्मा का सुख प्राप्त होता है मेरे बच्चों। इसे ही आत्मीय सुख कहते हैं, इसे ही आत्मीय सुख कहते हैं। और केवल आत्मीय सुख यह पराकाष्ठा पर तक पहुंच जाता है, जबकि यह पूरी परोक्ष सत्ता यानी इसे हम परमात्मा कहते हैं, जो सारे विश्व का यह संचालन करता है, उसके साथ जब यह आत्मा पूरी तरह से आत्मसात हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो गया है। मैं समझता हूँ कि शिक्षण संस्था में बच्चों के पर्सनालिटी के कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसमें बच्चों के तन के सुख के लिए, मन के सुख के लिए, बुद्धि के सुख के लिए, आत्मा के सुख के लिए, कैसे इन सुखों की प्राप्ति हमारे बच्चों को हो सके, इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखा जाता होगा। आज के अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए, अच्युत सामंत जी आपने तो मेरा बहुत अभिनंदन कर दिया, मैं अपनी तरफ से अच्युत सामंत जी का बच्चों मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, मुझे बेहद खुशी हुई है। और मैं कहना चाहता हूं कि मैं एकाएक कभी न कभी आपकी संस्था में मैं आऊंगा और 1-2 दिन यहां रुकना चाहूंगा, ऐसे ही बच्चों के बीच में बैठना चाहूंगा। इस अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए हृदय की गहराइयों से मेरे बच्चों सबको मैं आशीर्वाद देता हूं, और आप सबके उज्ज्वल भविष्य की मैं ईश्वर से कामना करता हूं, और परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके अंदर वह कैपेबिलिटी पैदा करे, वह योग्यता पैदा करे, वह क्षमता पैदा करे, वह प्रतिभा पैदा करे कि भारत को एक महान भारत बनाने में आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, अपना योगदान कर सकें। यही परमात्मा से प्रार्थना करते हुए और पुनः दिल की गहराइयों से आप सबको आशीर्वाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ।